हाँ जी भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होगे और अच्छी विनिंग कर रहे होगे। ठीक है भाइयों, 2-3 दिन से हम तो बहुत अच्छी विनिंग कर रहे हैं, क्लीन स्वीप जा रहा है। ठीक है, और टेलीग्राम पे मैंने टीम दिया था, जो जो भाइयों ने खेला होगा वो सारे भाइयों ने बिल्कुल क्लीन स्वीप किया होगा। ठीक है ना, चाहे वो BBL का लास्ट मैच हुआ, चाहे वो T10 के लास्ट 2 से 3 मैच हुए, ये सारे मैचेस हम लोग क्लीन स्वीप करते आ रहे हैं। तो मेक श्योर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल फैंटेसी कैप्टन ज्वाइन किया हुआ है, फाइनल टीम में फैंटेसी कैप्टन चैनल पे अपने देता हूँ, तो ध्यान रखना। ठीक है, आइए फिर बात करते हैं आज के मैच की, जो कि 7 बजे शाम में खेला जाएगा, TGS vs CRD के बीच में। ठीक है ना, बात करते हैं यहाँ की पिच रिपोर्ट की। तो यहाँ की पिच कुछ बैलेंस टाइप की है। ठीक है, यहाँ पे टॉस जीतने वाला जो टीम है वो बैटिंग करता है, पेसर्स को थोड़ा बहुत यहाँ सपोर्ट है। ठीक है, तो पेसर्स विकेट आपको लेते हुए दिखेंगे। लास्ट 5 मैचेस की इनकी बात करें दोनों टीम की, तो TGS ने जीता है 2 मैचेस 3 हारे हैं। CRD भाई बिल्कुल टॉप पे चल रही है इस टाइम। ठीक है, 5 बार विन किया है, 0 बार हारे हैं ये। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अभी TGS की बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो सेंडर, रेजिस और रॉबिन्सन ये दोनों ओपनिंग करने आते हैं। इनके स्टैट्स की बात करें तो पिछले 5 मैचों में इनके पॉइंट्स है 5, 2, 70, 11, 17। रॉबिन्सन काफ़ी अच्छा खेला पिछले मैच में, 97, 40, 115, 26, 34। बात करते हैं वन डाउन मलकाई जेवियर की, 51, 32, 11, 0, 51, ये इसके कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, जूनियर जेवियर 10, 2, 4, 2, 9, 30। ये जो प्लेयर है ना जूनियर जेवियर, इसे आप ध्यान रखना ग्रैंड लीग के लिए, ये कभी भी मार सकता है। अभी ये आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, बट बैट्समैन ही अच्छा है। ठीक है, बात करते हैं अभी टेस्ट डेवेनियर की, ये बंदा भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है बट अभी आउट ऑफ फॉर्म है। लास्ट 5 मैचेस इनके पॉइंट्स देखिए तो 3, 24, 29, 8, 8। ठीक है ना, विवन टाइटर की बात करें तो इसके ये फॉर्म में था 24, 28, 32, बट अभी लास्ट मैच में इसने एक भी विकेट नहीं लिया, रन्स भी इसके बैट से नहीं है और 4 पॉइंट इससे पहले मैच में था, तो अभी ये भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। ठीक है, इसका ध्यान रखिए, सिलेक्शन गिरेगी इसकी आज के मैच में, इसकी सिलेक्शन गिरेगी और ये मेरे ख्याल से ग्रैंड लीग के लिए आज अच्छा प्लेयर है ये। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना क्योंकि आज हो सकता है ये कुछ कमाल करके दिखा दे। ठीक है, अब बात करते हैं फिट्स फ्रेडरिक की, तो 10, 4, 29, 6। ठीक है, के हैमिल्टन की बात करें तो 39, 9, 6, 20, -2। जॉन मैथ्यू की बात करें, ये काफ़ी अच्छे फॉर्म में है पिछले 2-3 मैचों से, 31, 37, 14, 79, 41। इसका ध्यान रखना, इसे लोग इस मैच में बहुत ज़्यादा लेंगे, इसकी सिलेक्शन काफ़ी बढ़ेगी जॉन मैथ्यू, क्योंकि पिछले मैच में इसने परफॉर्म कर दिया है। ठीक है, एन पेन की बात करें तो एन पेन तो मुझे बहुत अच्छा बॉलर लगता है ये। ठीक है, लास्ट मैच की बात करें, इसके लास्ट 5 मैचों की तो 77, 31.4, 4, 35 पॉइंट। शेम सीजर की बात करें, 12, 0, 37, 4, 4। ठीक है, अब बात करते हैं CRD के बैटिंग ऑर्डर की। एलिक एथेंसे ये प्लेयर तो तगड़ी फॉर्म में चल रहा है भाई, इसके पॉइंट्स देख लो क्या कमाल बंदा है ये, 107, 117, 39, 83, 100। इसके साथ ओपनिंग करने आता है लेनिको बॉचर भाई, ये भी तगड़ा प्लेयर है, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है। अगर बैटिंग नहीं किया तो आपको बॉलिंग से पॉइंट देता है, और कभी कभी बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देता है। बात करें इसके 5 मैचों की पॉइंट्स की तो 102, 57, 63, 80, 66। वन डाउन आते हैं जेसन अलेक्जेंडर, ये भी ऑलराउंडर है, काफ़ी अच्छा ये बॉलिंग भी करता है और बैटिंग भी काफ़ी अच्छी इसकी है, तो 48, 175, 8, 57, 12, इसके लास्ट 5 मैचों के पॉइंट्स हैं। टेरोनेट काफ़ी अच्छा बॉलर है, बैटिंग भी आता है 2 डाउन। ठीक है, 22, 45, 117, 180, 64। जेट जोसेफ की बात करें, जेट जोसेफ भी आपका एक ग्रैंड लीग प्लेयर है, इसको ध्यान रखना, ये प्लेयर अच्छा है बट अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। ठीक है, जर्मन रेफल की बात करें, 16, 4, 20, 5, 4। ठीक है, मिका जोसेफ की बात करें, मिका जोसेफ पिछले कुछ मैचों से काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, क्योंकि इन्हें बैटिंग भी मिल जा रही है और बॉलिंग भी अपने पूरे 2 ओवर करा रहे हैं। लास्ट 5 मैच की बात करें तो 54, 6, 118, 86, 6, ये इनके 5 मैचों के पॉइंट्स हैं। वाई रेजिस काफ़ी नीचे आता है, तो मैं नहीं कहूँगा ये ग्रैंड लीग में भी लेने लायक नहीं, क्योंकि इसके जो टीम वाले हैं ये इसे ऊपर भेजते नहीं, अगर ऊपर भेजें तो शायद ये कुछ परफॉर्म कर सके। लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो 16 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स, 8, 33, 4। जे मर्सलिन ये पिछले मैच में काफ़ी अच्छा किया, 29, 62, 11, 4। वो जॉर्जी की बात करें, ठीक ठाक 4, 12, 4, 4, 9। एल लॉजी की बात करें, अच्छा बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है, 8, 72, 29, 43, 74। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे कुछ सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो सेफ में देखो यार, वी टाइटर को लोग बना तो रहे हैं लेकिन इस मैच में कम लोग बनाएंगे, क्योंकि इसकी सिलेक्शन भी गिरेगी, ये लास्ट कुछ मैचों से ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। एम जेवियर सेफ कैप्टन, वाइस कैप्टन टी टेवर्नियर, जेडलानी रॉबिन्सन, ए एथेंसे, एल बाउचर, मोस्टली तुम्हें एल बाउचर, ए एथेंसे और जे रॉबिन्सन को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हुए लोग दिखेंगे, एम जोसेफ और डी नेड। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन थे सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की।
ग्रैंड लीग कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो जे मैथ्यू काफ़ी अच्छा प्लेयर है, सिंडाल रेजिस, ये इसकी अगर बात करें ना तो सिंडाल रेजिस ओपनिंग करने आता है बट अभी कुछ मैचों से ये फॉर्म में नहीं है तो इसकी सिलेक्शन गिरेगी, ध्यान रखना। तो ये हमारा एक अच्छी ग्रैंड लीग पिक बनता है कैप्टन वाइस कैप्टन का। जे मर्सलिन काफ़ी अच्छा प्लेयर है ग्रैंड लीग में, आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। ठीक है भाइयों, फाइनल टीम आपको फैंटेसी कैप्टन पे दी जाएगी लाइनअप आने के बाद और टॉस होने के बाद। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ऐसे ही हम क्लीन स्वीप करते रहेंगे, साल की जो शुरुआत हुई है वो क्लीन स्वीप से हुई, वो भी तगड़ी वाली। ठीक है, तो साथ में करेंगे क्लीन स्वीप, या सब्सक्राइब करो चैनल को और फैंटेसी कैप्टन चैनल ज्वाइन कर लो, टीम आपको प्रोवाइड कर दी जाती है बिल्कुल फ्री में। ठीक है, आइए बात करते हैं हमारे ड्रीम इलेवन आज के टीम की, कि डैमो टीम आज की क्या होने वाली है। तो डैमो टीम कुछ इस तरह से है आज की। ठीक है ना, विकेट कीपिंग सेक्शन से एल बाउचर, जे रॉबिन्सन, एम जोसेफ, ए एथेंजी, टी टैवर्नियर। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो टैवर्नियर की जगह एस रेजिस के साथ जा सकते हो। ठीक है ना, ओपनिंग करता है बंदा, बहुत अच्छा प्लेयर है। ठीक है, फिलहाल मैं टैवर्नियर के साथ जा रहा हूँ। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से, तो जे मैथ्यू के साथ मैं जा रहा हूँ, आप टैटर के साथ भी जा सकते हो, सिलेक्शन इसकी कम है, जीतोगे तो वन साइडेड जीतोगे। ठीक है, फिलहाल जे मैथ्यू के साथ जाते हैं। एम जेवियर वन डाउन आता है, बैटिंग बॉलिंग दोनों कराता है। जे अलेक्जेंडर टू डाउन आता है, बैटिंग बॉलिंग दोनों कराता है, ये बंदा मस्तिक है। बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो डी नेट मस्तिक है, एल लाउजी मस्तिक है, एन पेन मेरा ऑल टाइम फेवरेट बॉलर है। ठीक है, आप अगर चेंज करना चाहो तो एन पेन की जगह के हैमिल्टन के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, बाकी ओ जॉर्जे मेरे हिसाब से मैं नहीं कहूँगा। ठीक है, एस सीज़र को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एस सीज़र हो गए, एफ फेडरिक हो गए, इन्हें आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। और आपके ग्रैंड लीग के प्लेयर हो गए जे मर्सलिन, ये आपका ग्रैंड लीग का प्लेयर है। बैटिंग सेक्शन से बात करें ग्रैंड लीग प्लेयर की तो एस रेजिस ग्रैंड लीग का बहुत अच्छा प्लेयर है ये। ठीक है, ओपनिंग करने आता है, और जे जोसेफ। ठीक है ना, तो ये रही आज की टीम हमारी। ठीक है, कैप्टन मैंने किया जे अलेक्जेंडर को, वाइस कैप्टन मैं बाउचर के साथ जा रहा हूँ। ये डेमो टीम है, फाइनल टीम है, आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो मेक श्योर आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया। ठीक है भाइयों, चलो फिर मिलते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।